वीडियो देख रहे तमाम भारतवासियों को जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इंडिया T20 वर्ल्ड कप में अपनी चौथी मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही थी, तब तो दिल में बहुत सारा सवाल चल रहा था, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को हरा करके ये साबित कर दिया कि पोता पोता होता है और दादा दादा होते हैं। इससे पहले पाकिस्तानियों को हरा करके हमारी टीम ने यह साबित कर दिया था, किंग कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर ने यह बता दिया था कि जंगल का राजा शेर ही होता है और बाप बाप होता है, बेटा तो बेटा ही होता है। चाहे भले बाप के पैर का जूता अगर बेटा के पैर में हो जाए तो बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, यह बात इंडिया टीम ने कई मैचों से साबित करता हुआ आया है। सबसे पहले तो बांग्लादेश के खिलाफ जैसे हमारी धमाकेदार जीत हुई, उसके बाद सेमीफाइनल के क्वालिफिकेशन में टीम इंडिया ने 6 अंक की बढ़त के साथ नंबर 1 पे अपना स्थान ग्रहण कर लिया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया है। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इस मैच में उतार चढ़ाव आ रहा था, एक वक्त तो ऐसे लग रहा था जिस वक्त 7 ओवर में बांग्लादेश की टीम ने इंडिया का जो स्कोर था उसको चेज करते हुए 66 रनों की पारी खेल दिया था, उस समय तो ये लग रहा था कि भारत के हाथ से और हमारी टीम के हाथ से ये मैच अब निकलती जा रही है। लेकिन जैसे ही इंद्र भगवान की शुरुआत हुई, इंद्र भगवान बरसे, तो समझिए जीत का माहौल लेकर के ही एडिलेड स्टेडियम में बरसे थे। और उसके बाद जैसे 8वें ओवर की शुरुआत हुई, एक नाम जिसका नाम केएल राहुल है, और केएल राहुल के बारे में शायद सभी लोग परिचित होंगे। केएल राहुल ने पहले तो बैटिंग में जाकर के धमाकेदार बल्लेबाजी किया और उसके बाद वो रन आउट जो सबको याद होगा, किस प्रकार से जिस प्रकार से रविंद्र जडेजा, जिनको सर रविंद्र जडेजा कहा जाता है, जिस प्रकार रविंद्र जडेजा जी कहीं से भी बाउंड्री लाइन के पास से भी सीधे विकेट को टिक देते थे, केएल राहुल ने ठीक उसी प्रकार से 34 मीटर दूर से बॉल को इतनी सीधी मारा ना, उसके सामने तीर भी शर्मा गया भैया। और सबसे पहले शकीबुल हसन को चलता किया और रन आउट वहां से पूरे मैच का रुख ही भारत की तरफ बदल गया और भारत जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद एक प्लेयर जिसका नाम अर्शदीप सिंह, जो पिछले कई मैचों से धमाकेदार प्रस्तुति करते हुए भारत को जीत में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते आए हैं, तो अर्शदीप सिंह ने भी धमाकेदार बॉलिंग किया। पहले ओवर तो थोड़ा सा महंगा रहा, लेकिन जैसे दूसरे ओवर के लिए आए, दूसरे ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाल करके दिए और बांग्लादेश को अंगूठा दिखा के चलता शुरू किया। और उस समय से ये लगने लगा कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ रही है और हमारी टीम जीत की तरफ अग्रसर होती गई। लेकिन बीच बीच में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, कुछ समय तो ऐसे लग रहा था मैच में जैसे कि हमारी भी सांसें अटक गई और धड़कन कुछ उधार पड़ोस के लोगों से भी मांगनी पड़ेगी, लेकिन दाद देने पड़ेगी भारतीय टीम को, जिस प्रकार से बॉलिंग और बैटिंग भी जोरदार तरीके से किया और बांग्लादेश को हराया और पाकिस्तान को इससे पहले हरा दिया, उसने ये साबित कर दिया है कि कभी भी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है और पोता पोता होता है। बांग्लादेश को एक बार और पटकानी हम लोग दिए थे हीरो निदहास ट्रॉफी में, जिस समय दिनेश कार्तिक के धमाकेदार बैटिंग ने उस टीम को फाइनल में वापस घर चलता किया था। और इस समय जो हमारी टीम है बढ़त करते हुए 6 अंक के साथ नंबर 1 पे क्वालिफिकेशन में चली गई और सेमीफाइनल हमारी मुट्ठी में अब आ गई है और बाकी जीत के लिए इंतजार करना है। अगला एक और मैच भी हम लोग खेलेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन उससे जो भी उसके जीत के बाद जो भी हमारा स्कोर आएगा वो बढ़त हमारा होगा, जो भी पॉइंट मिलेगा वो बढ़त में रहेगा, लेकिन सेमीफाइनल में इंडिया टीम जो है क्वालिफाई कर चुकी है। कल का एक मैच भी है जिसमें इंडिया का बेटा पाकिस्तान दूसरे देशों से खेलने वाला, अगर उस मैच में यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलते हुए अगर पाकिस्तान जीतता है तो थोड़ी सी सांस में सांस आएगी, जान आएगी, क्योंकि मैच में बने रहने का मौका मिलेगा। बाकी इस वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में विचार डालिए। उससे पहले बैटिंग में धमाकेदार प्रस्तुति करते हुए विराट कोहली को, केएल राहुल को, और जिस तरह से रन आउट केएल राहुल ने किया था शकीबुल हसन को उसके लिए, और अर्शदीप सिंह को जय हिंद।